सो हेलो डिफेंस लवर, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आप लोग के बारे में, जो लोग भी CRPF के ट्रेड्समैन के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में आप लोग को हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा बुरा लगे देखने पे, कि एक मैंने आप लोग के लिए ऐसी एक बात लाया हूँ जो आप लोग को शायद सुनने में बहुत अजीब लगे और आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ़ भी हो कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। तो काफ़ी आप लोग ध्यान से पहले बात सुनिएगा मेरी, और मैं ये बता दूं कि ये है 50-50% चांस है इस चीज़ का। तो आप लोग को पहले ही किसी भी चीज़ आधी बात सुन के आप लोगों को कंक्लूजन पे नहीं आना है, ठीक है। और देखिए, मेन बात बता दूं आप लोग को कि आप लोग यहाँ वहाँ जितना सर्च करेंगे उतना आप लोग को नए नए वीडियोस दिखेंगे, नए नए वीडियोस दिखेंगे। आप में मुझे बहुत लोग बता रहे थे कि एक मैं अपने मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है CRPF ट्रेड्समैन वाला, उस ग्रुप में देख रहा हूँ कोई है चंबल का शेयर करके, सर वो हर रोज़ वीडियो डाल रहे हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगी। भाई मैं अगर बोल दूँ कि रिज़ल्ट जो है 365 दिन में किसी ना किसी एक दिन आएगी, ठीक है, तो वो कोई उसमें कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट एक ना एक दिन तो आनी ही है ना। तो फिर मैं अभी बोल सकता हूँ कि 365 दिन में बोला था, वो देखो उस दिन में रिज़ल्ट आ गया है ना। तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। ऐसे मैं तो साफ बोलता हूँ कि चूतियों से दूर रहें आप, ठीक है। ऐसे लोगों को आप जो अनसब्सक्राइब करें और रिपोर्ट मारिए। मैं आज पहली बार किसी के खिलाफ ऐसा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चों को इतना यार ये जो है कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं आप लोग के लिए 1-2 महीने मेरे वीडियो लाया नहीं आप लोग के लिए, क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं, तो क्या ही वीडियो लाया जाए आप लोग के लिए, है ना। बाकी ग्रुप में कुछ बंदे हैं, बच्चे जो हैं जो मुझसे बात करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि देखो यार, मतलब झूठ बोल के मतलब है नहीं, ठीक है। और बोलते हैं सर आप पता करिए। देखिए, जब हर बार मैंने देखिए CRPF HCM को मैंने अपडेट दिया है, पैरामेडिकल स्टाफ का दिया है, और मैंने बहुत पहले BSF HCM का अपडेट दिया था रिजल्ट के बारे में। तो वो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई अपडेट देनी होती है तो वो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट, और वहाँ से फिर जो है आप लोग की वेबसाइट पर अपलोड होती है। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट में जब जाती है, जब वो पब्लिकली रिलीज़ करने होती है, तो उससे थोड़ी देर पहले मुझे पता चल जाता है। लेकिन जब तक मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट पर जाएगी नहीं, तब तक हमको पता कैसे चलेगा, है ना। तो यानी कि अब तक तो कोई अपडेट नहीं है, कोई ऐसी कोई लिस्ट नहीं आ रही है जो कि आप लोग की अपलोड होने वाली वेबसाइट पे, है ना। और मिनिमम 2-4 दिन बाद भी जो होने वाली होती है, उसकी भी थोड़ी बहुत जो है तैयारी होने लगती है डोमेन के लिए, है ना। तो अब तक तो कोई अपडेट नहीं है। और देखिए, मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि CRPF की जो रिज़ल्ट 27-30 तारीख के बीच में आएगी। बेशक वो समय है आप लोग का रिज़ल्ट आने का, हो सकता है कि रिज़ल्ट आए। और देखिए, 1 महीने के अंदर आप लोगों को GC से फिर RTC भेजना, ये मैंने वीडियो बनाया कल, बट ये पॉसिबल नहीं है, है ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग का अगर रिज़ल्ट इस मंथ तक नहीं आ रहा है, अब जो बात करते हैं मेन मुद्दे की, अगर रिज़ल्ट आप लोग का इस मंथ तक नहीं आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का चांस ये है कि आप लोग की ज्वाइनिंग अभी ना हो, ठीक है। बहुत लोग सुन के इनको जिनको अजीब लगेगा, प्लीज़ आप लोग समझिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग बात ध्यान दीजिए एक बात कि CRPF में जो भी ड्राइवर ट्रेस्ट होते हैं और जो भी बिगलर होते हैं, ब्रास बैंड होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? आप सबको बोलेंगे 44 वीक की होती है, यानी कि 1 साल के लगभग ट्रेनिंग होती है 11 महीने की। बीच में जो 20 दिन का मिड टर्म ब्रेक होता है वो हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, और 10 दिन जो फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं काम वाम करने का, वो चीज़। तो देखिए, आपको पता होगा कि अभी आप लोग का SSC GD का, जिसका CRPF ही नोडल फोर्स है, तो SSC GD का अभी फिजिकल और मेडिकल चल रहा है। तो होना हो मैं तो आप लोगों की SSC GD की जो CRPF की बैच है वो, और आप लोग की जो 44 वीक की जिनकी ट्रेनिंग होने वाली, ड्राइवर वगैरह सबकी ट्रेनिंग साथ में होगी। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 10% पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, 10% पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग के इस तरीके से हो। क्योंकि अगर मान के चलिए कि अगर अब तक आप लोग का रिज़ल्ट अभी तक आपको फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग का फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा, जॉइन लेटर कब आएगी, आप लोगों को ग्रुप सेंटर में कब बुलाया जाएगा, और वहाँ से आपको RTC में कब भेजा जाएगा। देखिए, CRPF पैरामेडिकल की स्टाफ जो थी, जिनकी जॉइनिंग आप लोग की मई में ही हो चुकी है, उन लोगों को लास्ट मंथ तक ग्रुप सेंटर में रखा गया था। इस महीने शायद वो लोग को CTC नीमच, ठीक है, आपका कोई दोस्त अगर जानने वाला कोई बंदा रहेगा, कोई आपका बंदा जानने वाला जो रहेगा, उन लोगों से आप लोग पूछ लीजिएगा कि उन लोगों को CTC नीमच
सीटीसी नीमू चौलो को भेजा जा रहा है और वो जो है ज्वाइनिंग उनकी मई में करवा दी गई थी, है ना। आप लोग ग्रुप सेंटर में अगर गए होंगे, आप लोग जैसे मान लीजिए कोई अगर पुणे में गया होगा, है ना, या फिर कोई अगर मैं बोल दूँ ग्रुप सेंटर आप लोग का जो गांधीनगर है गुजरात वाला, वहाँ पे गया होगा, है ना, प्रयागराज गया होगा, तो वहाँ पे आप लोग को पता होगा कि वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ को ज्वाइनिंग करवा दी गई है, बट वो लोग का ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, है ना। तो 4 महीने 3 महीने लगभग जो उनकी वहीं पर रखे रहे ग्रुप सेंटर में, फिर ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग को बुला भी दे रहे हैं तो आप लोग की ट्रेनिंग जो आप लोग को 1 महीने ग्रुप सेंटर में रखेंगे, फिर आप लोग को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा साथ में जीडी के। ये बात लिख के रख लीजिए कि आप लोग की जो कोर्स कमेंसिंग होगी, जो बेसिक कोर्स होगी, ठीक है, चाहे वो वॉशरमैन की हो, कुक की हो, वाटर कैरियर की हो, चाहे दफ्तरी की हो, चाहे किसी की, जिनकी 4 महीने की ट्रेनिंग है उनकी भी और जिनकी 44 वीक की ट्रेनिंग है उनकी भी ट्रेनिंग जीडी के साथ ही होने वाली है। ये एक पॉसिबिलिटी है और मेरा ये अनुमान बिल्कुल सही हो रहा है धीरे धीरे। ताकि देखिए, मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरे पास जब तक कोई अपडेट, जब तक मुझे कोई थोड़ी बहुत हिंट कहीं से नहीं मिलती है। अभी मैंने आज ही एक बंदे से मैंने बात किया जो कि RTC जोधपुर में है, है ना। उस बंदे से मैंने बात की तो बंदे ने बोला कि देखिए सर, हर बार क्या होता है, ट्रेनिंग जब होती है तो उसके 1 महीने पहले से बैरक वैरक साफ सफाई शुरू हो जाती है, है ना। अभी CRPF की ट्रेनिंग सेंटर खाली है, ठीक है, फिर भी आप लोग को ना बुलाने का मतलब क्या हुआ, है ना, ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब, और देखिए 1 महीने पहले वो बोलता है कि सर हमको अपडेट सिग्नल डिपार्टमेंट में आती है अपडेट, और फिर वहाँ से हम जो है बंदों को जो है लगा देते हैं ड्यूटी पे, और फिर वहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह शुरू हो जाती है ना, क्योंकि न्यू रिक्रूट आने वाले हैं। तो अब तक कोई अपडेट नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं जीडी वालों के साथ में आपकी ट्रेनिंग होगी, हाँ। और एक और चीज़ आप लोग बात ध्यान देखिए कि SSC जीडी की, अब बोलेंगे कि इतना जल्दी SSC जीडी का प्रोसेस कैसे होगा, तो देखिए SSC जीडी की लास्ट टाइम 2024 वाले बंदे जो होंगे, जो 23 में ज्वाइनिंग हुआ था जिनका, जो 23 में जो भर्ती देखे थे, उन लोगों को पता होगा कि आप लोग का जो है जो मैं बोलता हूँ कि अगस्त में, हाँ, आप लोग की अगस्त फाइनल रिजल्ट आई थी, आप लोग की जो है अगस्त फाइनल रिजल्ट आई थी, मेरे को लगता है कि करीब 20-25 अगस्त को आप लोग की आई थी, सितंबर में ज्वाइनिंग आप लोग करवा दी गई थी, है ना, सितंबर की वही 24-23 से आप लोग ज्वाइनिंग शुरू हो गई थी पिछले साल इसी समय पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का SSC GD का मेडिकल जो चला था, मेडिकल जो है आप लोग की अगस्त के फर्स्ट वीक तक चला था, लेकिन फिर भी आप लोग को 10 दिन के 15 दिन के अंदर आप लोग की जो है आप लोग की मेरिट लिस्ट दे दी गई थी। तो कोई बड़ा डील नहीं है, SSC और CRPF ये सब चाहें तो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल SSC GD की मेडिकल और फिजिकल साथ में चल रही है, यानी कि 1 दिन का प्रोसेस जो है वो लोग का मैक्सिमम, किसी सेंटर में 3 दिन में हो जा रहा है, किसी सेंटर में 5 दिन भी हो जा रहा है, अगर बीच में संडे वनडे पड़ गया तो वो तो खैर कोई बात ही नहीं है, है ना। तो संडे वनडे पड़ेगा तो कोई बात ही नहीं है, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि आप लोग का जो है कभी भी हो, जो लोग भी फिजिकल ट्रेड टेस्ट पास है, आप लोग को ये मानना है कि 90% आप लोग का सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन रेशियो CRPF ग्रुप सेंटर पे मैं खुद पता कर रहा हूँ, बहुत ही आप लोग का हाई था, मतलब रेशियो बहुत ही हाई था, मतलब सिलेक्शन रेशियो बिल्कुल भी एकदम बोलते हैं कि एक बच्चे के पीछे जो 10 बच्चे फेल हो रहे हैं, है ना, इस तरीके से हाल था। आप लोग ने दिया होगा फिजिकल, खैर फिजिकल तो हर कोई पास हो रहा है, बट ट्रेड टेस्ट हो गया, है ना, फिर डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर उसके बाद में मेडिकल हो गया, ये 4 चीज़ें जो हैं बच्चों जो है बहुत, और बहुत से बंदे ऐसे थे कि जो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे थे, भाई मुझे करना ही नहीं आगे, जा रहा हूँ घर पर भाग के, है ना। बहुत बंदे ऐसे भी कर दिए हैं जो लास्ट तक अटल रहा, वही आगे चल के जो है उस पर, हाँ, CRPF में जॉब कर पाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना है, और मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग को निराश नहीं होना, आपकी रिजल्ट आ भी सकती है, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो ये मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई चांस नहीं है अब तक रिजल्ट का, ठीक है। बाकी रिजल्ट कभी भी आएगी, आप लोग को ज्वाइनिंग लेना है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कभी कोई एक ही आप इसके भरोसे बैठे हैं कि आपके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है पढ़ाई करने का? आप लोग पढ़ाई करिए यार, CPO की तैयारी करिए, है ना, आगे जो भी भर्ती आने वाला उनकी तैयारी करिए। ट्रेड्समैन कोई बहुत ही बढ़िया जॉब नहीं होता है, है ना। ट्रेड्समैन बोल सकते हैं कि एक टाइप का बेरोजगार से आप रोजगार में आप जाएंगे, बट वो आजीवन करने लायक जॉब नहीं है, ना फैमिली लाइफ मिलेगी, 3 साल कहीं और, 3 साल कहीं और, फिर 3 साल पीस, फिर 3 साल डेंजर जगह में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब बहुत ही लाइफ टाइम नहीं है, शुरू शुरू में जवानी में अच्छी लगती है, बाद में तकलीफ देती है ना।
तो बस यही बात थी आप लोगों की वीडियो में, इतना ही, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। आज मैं आपसे दिल की बात करने आया था और थोड़ी बहुत मैंने कर भी ली है ना। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर अच्छा अच्छा कमेंट करिए, आप लोग खुद अच्छे अच्छे बात करते हैं, कमेंट में ज़रूर मुझे आप अच्छा अच्छा रिप्लाई करिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए। और तब तक मैं कुछ पता करते रहता हूँ, जैसे कुछ अपडेट आया मैं आप लोगों को कर दूंगा अपडेट, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।